एमपी अजब है और सबसे गजब है, ऐसा ही गजब कारनामा छतरपुर के बिजली विभाग ने किया है। बिजली कंपनी ने एक साइकिल का पंचर बनाने वाले दुकानदार को 1,22,000 से अधिक का बिजली का बिल थमा दिया, जिससे उसका परिवार सदमे में आ गया। छतरपुर के इमलाहा गांव में पंचर की दुकान चलाने वाले संतोष साहू के घर बिजली विभाग ने 1,22,000 से अधिक का बिल भेज दिया। बिल देखकर उसके होश उड़ गए और वह सदमे में आ गया। संतोष साहू की दुकान पर 2 बल्ब और 1 पंखा लगा है, लेकिन लाखों का बिल देखकर उसका पूरा परिवार सदमे में है। संतोष ने बताया कि मेरा पिछला बिल 2,000 रुपए करीब आया था, जो मैंने यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर जमा कर दिया, लेकिन जून माह का बिल 1,22,000 से ज्यादा आका आ गया। इस पूरे मामले पर बिजली विभाग का कहना है कि आपके माध्यम से हमें जानकारी लगी है, उपभोक्ता का बिल यदि गलत आया है तो उसे चेक कर सुधारा जाएगा। अरे सर जी, मुझे पता चला, मैंने मोबाइल में देखा तो मेरा बिल इतना रख दिया है 1.5 लाख रुपए, तो मेरे को अटैक का झटका से लगा। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए कहाँ से देंगे, एक मामूली सी पंचर की दुकान है। उसमें पता चला, मुझे देखा 1.5 लाख रुपए, मैं घर वालों को बताया तो वो लोग घबरा गए। घबराए हुए वो बोले क्या करें। मैं कहा ठीक है, अभी देखते हैं। मैं कहा आप किसी को जानकारी दें, बिजली ऑफिस फ़ोन लगा, वो कह रहे हाँ ठीक हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा जी वो। और मेरी तो शासन से यही विनती है कि इस हिसाब से अगर बिल आएगा तो मैं इतना रुपए कहाँ से दूंगा, इतने की तो मेरी पूरी दुकानदारी नहीं है। क्या काम करते हैं? हम तो सर पंचर का दुकान काम करते हैं, पिताजी खेती किसानी करते हैं, छोटी सी खेती है, उसमें गुजर बसर अपना करते हैं, तो उसमें इन लोगों ने इतना बिल रख दिया, अब वो बिल हम कहाँ से भरे थे। वो कहते हैं आपका ठीक हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक मीटर रीडिंग लेने आते हैं, वो अपना दूध का बिजनेस करता है, दूध का बिजनेस करता है, तो वो दोपहरिया गांव जाता है, रनुआ गांव दूध लेने जाता है, तो वो आता है, वो गाड़ी से उतरता है, वहीं से फोटो खींच लेता है दूर से और डाल देता है। हम उससे कहते हैं भाई हमारी सही से डाल देना, वो कहता हाँ हाँ हो जाएगा, सही है, सब ठीक है, डल गई है, हाँ जी बोल देता है, वो चला जाता है, किसी की वो सुनता नहीं है। पिछले महीने सर 2,000 रुपये आए थे, तो जैसे कैसे उधार उधार लेके दुकान में जितना आया था सारा पैसा 2,000 में सब उस चला गया था। मुझे छतरपुर का भी 1,000 रुपये दुकान वाले का देना है उधार, अभी मैं वो नहीं दिया, मैं बिल भर दिया था। अब ये समस्या है कि जी ऐसे ऐसे बिल देते हैं तो कहाँ से क्या कुछ कर देंगे। साहू का ये हो गया जी, बिजली का बिल मेरा इतना हाई कर दिया कि पता नहीं मेरे को कितना आ गया। फिर बताया बच्चों ने कि पापा बिल 1.5 लाख के लगभग के आ गया। हाँ। अच्छा, फिर बिल आ गया 1 महीने का बिल 1.5 लाख के। हाँ से नहीं, क्या बेचेंगे, कौन सी गृहस्थी हमारे पास बेचने के लिए, क्या बेचे हम। तो आप क्या करते हो? हम छोटी सी खेती है हमारे पास। हाँ। खाने का गुजारा चलता है, खर्चा पानी के लिए साइकिल की दुकान पंचर की कर रखी है। हाँ। तो पंचर की दुकान की बिजली बिल इतना आया है। हाँ। तो बिल वाले ऐसे हैं कि वो मीटर देखते नहीं है, वो रीडिंग डाल देते हैं। सरकार से ये मांग है हमारी कि बिजली का बिल सुधार किया जाए, और इस सरकार में आप देख लिया जाए क्या अंधेर हो रहा है। हम मजदूर आदमी, गरीब आदमी, पेट पाल रहे हैं, टाइम पास चल रहा है, आप देखिए सर जी ये क्या हो रहा है हमारे साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।